गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, VIIIC में मैं अमित कुमार सोनी सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो जानकारी है वो जनजाति विभाग की अपडेट से रिलेटेड है और जिनका सिलेक्शन जनजाति विभाग में हो गया है और जो वेटिंग लिस्ट में भी है, यानी कि दोनों सूचियों में है, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और वो है कि आदिम जाति कल्याण विभाग ने अब वेरिफिकेशन को लेकर के अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं और इसके संबंध में विभिन्न जिलों में जितने भी स्कूल हैं प्राचार्यों को लेटर जारी किया है जहां पर सेंटर बनना है वेरिफिकेशन का। तो उससे संबंधित सुविधाओं के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है कि आप आने वाले समय में जो डेट्स निश्चित की गई हैं माध्यमिक शिक्षक की और उच्च माध्यमिक शिक्षक के दस्तावेज सत्यापन की, वहाँ पर अपनी तैयारियाँ कर लें। तो आइए दोस्तों, वो जो लेटर है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में। देखिए दोस्तों, ये कार्यालय कलेक्टर से जारी हुआ है और 23 जून 2021 का ये लेटर है और इसमें जो प्राचार्यों को संबंधित है ना, सभी के लिए, ये खरगोन जिले का मैंने एक उदाहरण के लिए लिया है, ऐसा सभी जिलों में ये लेटर भेजा गया है। तो दोस्तों, इसमें विषय है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में। ठीक है, अब जो डिटेल है वो ये है कि उपरोक्त विषय एवं संदर्भित जो पत्र अंतर्गत लेख है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य 29/6/2021 से 9/7/2021 तक किया जाना है। ठीक है दोस्तों, अब जो हाई स्कूल वाले टीचर हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, तो उनके लिए 29 जून से लेकर के 9 जुलाई तक दस्तावेज सत्यापन होंगे। और जो माध्यमिक शिक्षक हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय डॉक्यूमेंट अपलोडेशन और चॉइस फिलिंग का कार्य चल रहा है और उसके बाद में 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई 2021 तक है ना, ये दस्तावेज सत्यापन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने निर्देश दिया है कि जो संस्था है उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय खरगोन, तो वहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की जाना है। आगे है कि खरगोन में समय सीमा से ये कार्य किया जाना है, अतः सत्यापन कार्य हेतु सत्यापन का कक्ष तथा सत्यापन कार्य हेतु 5 सेट कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा, यूपीएस सुविधा अथवा विद्युत सप्लाई बाधित होने की स्थिति में इन्वर्टर एवं COVID-19 की गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थियों हेतु सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था 2 दिवस में सुनिश्चित कर सूचित करें। तो दोस्तों, यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं कि जो वर्ग एक और वर्ग दो का वेरिफिकेशन है तो वो अपनी पूरी तैयारी कर लें, क्योंकि जो व्यवस्था होती है उत्कृष्ट स्कूल में उसे ठीक ठाक माना जाता है कि वहाँ पर ये फैसिलिटी पूरी उपलब्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो वेरिफिकेशन का कार्य है बड़ी तीव्र गति से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही DPI ज्वाइनिंग दे देगा, हालांकि वहाँ पर सबसे पहले ज्वाइनिंग होगी क्योंकि वेरिफिकेशन का कार्य कम्प्लीट हो चुका है, अब उनको केवल एक फाइनल लेटर जारी करना है, एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करना है विथ द अलॉटमेंट ऑफ स्कूल्स। ठीक है, अब उसके बाद में जनजाति विभाग भी अपनी लिस्ट जारी करेगा वेरिफिकेशन के बाद में, और लगभग ये मान के चलिए कि 15 से 20 दिन का अंतर रहेगा दोनों के ज्वाइनिंग पीरियड में, है ना। तो ये स्थिति है, तो ये निर्देश जारी कर दिए हैं आदिम जाति कल्याण विभाग ने। तो दोस्तों, सभी के लिए खुशखबरी है जो कि चयनित हैं वेटिंग है, तो इस प्रकार से अब उनकी ज्वाइनिंग का बिल्कुल समय पास आ चुका है। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।